कल्याण के कुलसेवाडी पुलिस के पिटने से दीपक भिंगार दिवे की मौत हो गई। इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड़ ने ट्वीट कर पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही डीसीपी सचिन गुंजाल का कहना है कि मामले की सीआईडी जांच होगी। बता दें कि दीपक भिंगार दिवे के बेटे प्रत्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद बेटे को हिरासत में क्यों लिया ये पूछने पर पुलिस और उनके बीच में विवाद हो गया था। वहीं भिंगार दिवे के परिवार ने कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे मृतक का शरीर नहीं लेंगे। वाला कुछ रहेगा। चलिए, कल थाने पुलिस आयुक्तालय में ऑल आउट ऑपरेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रकाश प्रीतेश भिंगार दिवे, एज 23 ईयर्स, उसको पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी के लिए लाया था। उनके पिताजी दीपक भिंगार दिवे, एज 63 ईयर्स, वो अपने लड़के को पुलिस स्टेशन में क्यों लाया है, इसलिए पुलिस स्टेशन में खुद होकर आए थे। पुलिस स्टेशन में ऐसा हुआ कि मतलब मेरे पापा मेरे को छुड़ाने के लिए आए, तो मेरे पापा बाहर मतलब वो जो गैलरी था उनका खिड़की था, खिड़की से बस मेरे से बात कर रहे थे। वो मेरे को बोले कि क्या क्या है, मेरे को सच बता। तो मेरे को मेरा वीडियो निकाल रहे थे, तो पुलिस वाला डायरेक्ट उठा और उनको गाली देने लगा, और डायरेक्ट बाहर रखे उनको, डायरेक्ट कॉलर पकड़ा और उनका मोबाइल छीना और उनको डायरेक्ट कान के नीचे दिया, और उनको डायरेक्ट घसीटे घसीटे डायरेक्ट और इधर लेके गए, इधर कस्टडी रूम में गए। और कस्टडी रूम में जब मतलब कस्टडी रूम से डायरेक्ट उन लोग ने मेरा बाप मतलब मेरे पिताजी का डायरेक्ट बॉडीज बाहर दी जाए।